नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक बड़ी खबर, हिला देने वाली खबर। अर्णब गोस्वामी का चैनल अब बंद हो गया है। पहले जुर्माना लगाया गया था, लेकिन जुर्माना लगाने के बाद में अब अर्णब गोस्वामी का चैनल बंद कर दिया गया है, ऑफ एयर कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं यूके की। यूके के अंदर अर्णब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक भारत अब नहीं दिखाया जाएगा, उसको बंद कर दिया गया है, ऑफ एयर कर दिया गया है। ये जानकारी दी है अवरिल वत्स ने। अवरिल वत्स एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, और इनके साथ में हमने भी बातचीत की थी एक ट्विटर स्पेस पर। वो भी आपको बताएंगे कि इन्होंने कोरोना वायरस के बारे में क्या कुछ कहा है, वो वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे। लेकिन इन्होंने बिज एशिया का हवाला देते हुए, और बिज एशिया में बड़ी खबर छपी है, इसका हवाला देते हुए इन्होंने ये खबर सामने रखी है। डॉक्टर अवरिल वत्स ने लिखा है, और ये सबसे पहले आप इनका बायो देखिए, इनका बायोडाटा आप ये देखिए। डॉक्टर अवरिल वत्स जो है वो रविश कुमार के शो प्राइम टाइम में भी आ चुके हैं, और इन्होंने अवरिल वत्स ने MBBS DESS PhD है ये, और कोरोना वायरस के लेकर के एक खासी पकड़ इनकी है, कोरोना वायरस को लेकर के खासी समझ रखते हैं। लेकिन इन्होंने ट्वीट किया है 8 मई को 3:55 पर सुबह, क्योंकि स्कॉटलैंड के अंदर ये रहते हैं, वहां पर से एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट में लिखा है रिपब्लिक टीवी गोज ऑफ एयर इन यूके। यूके के अंदर रिपब्लिक टीवी अब बंद हो गया है। इट वॉज फाइन 20,000 pounds इन दिसंबर 2020 फॉर हेट स्पीच। हेट स्पीच की वजह से दिसंबर 2020 में 20,000 pounds का इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था। और इन्होंने एक बात और भी कही है साथ ही साथ, इन्होंने कहा कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता था कि यूके के अंदर यह चैनल चल भी रहा है। यानी इन्होंने तंज कसा है कि यूके जैसे देश में यह घटिया चैनल चल रहा था, इसका मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि यह चैनल ये देखते नहीं है, ये रविश कुमार का शो देखने वाले चैनल है, तो आपको कहां से लगता है कि ये रिपब्लिक भारत को देखेंगे। लेकिन हिला देने वाली खबर है, बिज एशिया बड़ा मीडिया हाउस है, बिज एशिया, और बिज एशिया ने खबर छापी है 5 मई 2021 की एक खबर है, और बिज एशिया ने खबर में लिखा है रिपब्लिक भारत गोज ऑफ एयर ऑन स्काई इन यूके। बिज एशिया ये कहता है कि रिपब्लिक भारत गोज ऑफ एयर होना, यानी ऑन एयर होता है कोई चैनल, ऑन एयर का मतलब होता है कि वो चल रहा है, सैटेलाइट पर लगातार चल रहा है, लेकिन ऑफ एयर का मतलब होता है कि वो हटा लिया गया है, अब वो नहीं चलेगा, ये कहा गया है। ऑन स्काई इन यूके, जिस तरह से अपने यहां पर टाटा स्काई, DTH, वीडियोकॉन होता है, उसी तरह से यूके के अंदर भी स्काई इन यूके के नाम से एक सर्विस प्रोवाइडर है, और वहां पर ये चैनल चल रहा था, और अब इसको वहां से हटा लिया गया है। ये खबर आप देखिए, बिज एशिया की खबर है, रिपब्लिक भारत हैज एब्रुप्टली गोन ऑफ एयर ऑन स्काई इन द यूके। तो रिपब्लिक भारत को एकदम से हटा लिया गया है, बंद कर दिया गया है ऑन स्काई इन यूके। तो जिस तरह से यहां पर मान लीजिए कि आप टाटा स्काई पर यह चैनल आ रहा था, वो टाटा स्काई से अब यह चैनल हटा दिया गया है, इसी तरह से रिपब्लिक भारत को भी वहां पर हटाया गया है। द पॉपुलर हिंदी न्यूज चैनल फ्रॉम इंडिया वॉज सिचुएटेड ऑन स्काई EPG 708। ये स्काई EPG के 708 नंबर चैनल पर यह चैनल आता था, लेकिन अब इसको हटा लिया गया है। 708 नंबर पर ये चैनल आता था, लेकिन अब इसको हटा लिया गया है। इट इज करंटली ब्रॉडकास्टिंग एट जीरो लेवल। ये जीरो लेवल पर अभी भी इसका ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, लेकिन इट वाज सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द EPG। अब इसको EPG से हटा लिया गया है। पहले ये जीरो लेवल पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, लेकिन अब इसको हटा लिया गया है। इट इज नॉट क्लियर इफ रिपब्लिक भारत विल रिटर्न। ये स्पष्ट नहीं है कि रिपब्लिक भारत अब वापस लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा, यानी हटा लिया गया है और अब वापस ये आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। यानी ये मान करके चलिए कि ये शायद वापस अब नहीं लौट पाएगा कभी। ये एट द टाइम ऑफ फीलिंग दिस आर्टिकल बिज एशिया लाइव .com वॉज अवेटिंग ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर। इन्होंने कहा है कि जब हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं, उस वक्त में हम इंतजार कर रहे थे कि ब्रॉडकास्टर रिपब्लिक भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। तो ये बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अर्णब गोस्वामी के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है, हालांकि ये सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उनमें सबसे बड़ी कार्रवाई ये है। लेकिन इससे पहले अर्णब गोस्वामी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। ये कार्रवाई हुई थी 23 दिसंबर 2020 को अर्णब गोस्वामी के चैनल पर 20,000 pounds का जुर्माना ठोका गया था। यह खबर आप देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है।
अर्नब गोस्वामी प्रोग्राम लीड्स टू 20,000 पाउंड फाइन फॉर यूके लाइसेंस, यूके लाइसेंस के लिए अर्नब गोस्वामी, और अर्नब गोस्वामी का जो प्रोग्राम है पूछता है भारत, जिसमें चिल्ला चिल्ला के चीख चीख करके मेजों पे कूद कूद के वो शो करते हैं, उसके लिए जो है 20,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। ये खबर आप देख लीजिए, तब की खबर है। वर्ल्ड वाइड मीडिया नेटवर्क लिमिटेड द यूके लाइसेंस फॉर रिपब्लिक भारत द हिंदी आर्म फॉर अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी हैज बीन फाइन 20,000 ऑलमोस्ट 20 लाख, 20 लाख का जुर्माना लगाया गया था बाय द यूके कम्युनिकेशन रेगुलेशन रेगुलेटर फॉर ए रिपब्लिक भारत प्रोग्राम पूछता है भारत दैट कंटेंट एन कॉन्स्टेंशलाइज्ड हेट स्पीच सीन पोटेंशियली हाईली ऑफेंस। तो लगातार जिस तरह से अर्नब गोस्वामी का चैनल हेट स्पीच फैला रहा था, उसकी वजह से 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा था, 20,000 पाउंड का, और अब इस चैनल को ऑफेयर कर दिया गया है यूके के अंदर। जिस तरह से भारत में लगातार अर्नब गोस्वामी का चैनल, चाहे आप पिछले लॉकडाउन की बात करिए, आपको याद होगा कि मुंबई के रेलवे स्टेशन के पास में एक मस्जिद थी और वहां पर भीड़ जमा हो गई थी, तब अर्नब गोस्वामी ने वहां पर लाइव प्रोग्राम चलाया था कि मुसलमान यहां पर कोरोना फैलाने के लिए जुड़े हैं। तो इस तरह के हेट स्पीच बार बार, आपको याद होगा कि पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में, तो इस तरह से अर्नब गोस्वामी स्पेशली पिक करके इशू को उठाता है और एक धर्म विशेष को टारगेट करता है बार बार, और इसीलिए उसको हेट स्पीच की कैटेगरी में इसको चैनल को रखा गया और अब इसको ऑफेयर कर दिया गया। ये एक बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। डॉक्टर अवरिल वत्स ने इस खबर को दिया है और बिज एशिया ने ये खबर छापी है। और अब आखिरी बात, डॉक्टर अवरिल वत्स ने एक ट्विटर स्पेस पर, मैं भी जुड़ा हुआ था और डॉक्टर अवरिल वत्स भी उस ट्विटर स्पेस पर थे, उन्होंने दो बड़ी बातें कही कोरोना को लेकर के। सबसे पहले उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर जिस इंजेक्शन के लिए मारा मारी हो रही है, इसका मेडिकली कोई इस बात का सबूत नहीं है कि ये कोरोना के लिए सफिशियंट है या कोरोना पर कोई इफेक्ट करता है, ये उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन वो सफिशियंट नहीं है और उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर लोग और डॉक्टर, उनको सिर्फ ये है कि हमारे पास पैसा है, हमें लगाना है, इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ पर करते रहते हैं, हम यहाँ पर स्कॉटलैंड के अंदर मना कर देते हैं, ये डॉक्टर साहब ने कहा था। दूसरा उन्होंने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी भी 100% काम करती है या नहीं करती है, इसके बारे में भी मेडिकली कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो जरूर होनी चाहिए, और ऑक्सीजन जीवन देने का काम करती है ये कोरोना के अंदर, ये बात उन्होंने जरूर कही थी। तो बहरहाल ये दो छोटी टिप्स उन्होंने दी थी कोरोना को लेकर के, वो दोनों टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन जो बड़ी खबर आई है यूके के अंदर से, अर्नब गोस्वामी का चैनल वो ऑफेयर कर दिया गया है। इस बात का इंतजार है कि भारत के अंदर इस तरह से हेट स्पीच फैलाने वाले चैनलों के ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी। यूके की सरकार, यूके का प्रशासन, यूके का सिस्टम वहां पर काम कर रहा है और अपने देश के अंदर हेट स्पीच को अलाउ नहीं कर रहा है, हेट स्पीच फैलाने वाले चैनलों को अलाउ नहीं कर रहा है। अब इंडिया के अंदर ऐसा कब हो पाएगा, इस बात का सबको इंतजार। इस खबर को लेकर के और जिस तरह से यूके के अंदर अर्नब गोस्वामी का चैनल ऑफेयर कर दिया गया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।